हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज आइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज आप लोगों को होगा, आज संडे है और आप लोगों को जितना हमने 7 दिन में सीखा है वो आज आप लोगों का होगा लाइव टेस्ट। कितने अच्छे से आपकी तैयारी है, कितना आप स्कोर कर सकते हैं आज के क्लास में, ज्यादा से ज्यादा क्लास को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए। सभी के पास क्लास को ये शेयर होना चाहिए। आज बहुपद का होगा ओनली टेस्ट, चैप्टर एक, जो दो चैप्टर दिया गया बहुपद का, बहुपद का होगा टेस्ट। बहुत ही जबरदस्त तरीके आपको ये क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्या होंगे? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे बहुपद चैप्टर के। तो आइए, आज हम लोग बहुपद सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुपद सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुपद के क्वेश्चन आप लोगों को आज सिखाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुपद से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोगों को आज कराएंगे। बहुपद एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पीछे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस आज के टेस्ट में देखने को मिलेंगे। और बाद में आप लोग स्कोर जरूर कमेंट में बताएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन देखिए, के किस मान, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बहुपद बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यांक तीन होगा, का शून्यांक तीन होगा। ये क्वेश्चन आ गया है आपका पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आ गया है आपका पहला, जल्द से बताइए जवाब। इसका के का मान पूछा गया है, के का मान निकालिए। के का मान आप लोगों को बताना है जल्द से। क्वेश्चन दिया गया हमारा, के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस के इक्वल के क्या है, x प्लस के का शून्यांक तीन है होगा। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, सोल्व कीजिए। टाइम आप लोग बिल्कुल ना लगाए क्वेश्चन में, टाइम बहुत कम लगना चाहिए और जवाब एकदम राइट निकले। टाइम बहुत कम लगना चाहिए, ऐसा नहीं है टाइम आप लोग ज्यादा दे रहे हैं, लगा रहे हैं, टाइम बहुत कम लगना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बहुपद के, जो परीक्षा में आने की संभावना है। इसी टाइप के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर सामने क्वेश्चन लिखा है और आप लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब जल्द बताएं, बताइए जल्दी से। देखिए थोड़ा हिंट दे देते हैं, क्या करते हैं थोड़ा हिंट देते हैं। देखिए ध्यान से, शून्यांक दिया गया यानी x का मान दिया गया कितना, तीन। कितना दिया गया?
x का मान 3 दिया गया और समीकरण बहुपद कितना दिया गया 2x स्क्वायर प्लस के एक्स एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो क्या करना है, x की जगह पर आप लोगों को ये रखना है 3, कितना रखना है x की जगह पर 3 रखना है। तो क्या है शून्यांक हमारा कितना दिया गया 3, यानी x बराबर वैल्यू हमको दी गई 3। अब जहां आप लोगों को x मिल जाए तहां रखना है आप लोगों को 3, कितना रखना है 3 रखना है। तो चलिए रखिए 3, जल्दी से आंसर निकालिए। प्रशांत यादव नमस्ते, प्रशांत जी नमस्ते, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए प्रशांत जी जल्द से, और क्लास को प्रशांत जी एक बार शेयर कर दीजिए सारे बच्चों के पास। आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, समय आपका है बिल्कुल करेक्ट, आप लोग आजाया करेंगे कितना 7:30 PM आपके इतने समय क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्या है इतने समय पर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आप लोग अपना जवाब अगर दे पाए तो दे दें, और नहीं तो फिर बाद में मैच कर लें कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही आंसर आया या गलत आया। ठीक है चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 × x यहाँ पर कितना रखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 3 का वर्ग 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, जोड़ दे 9 × 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस के इक्वल टू 0, 21 को उधर भेज देंगे तो k बराबर माइनस का 21, k का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 21, k का मान 21 निकल कर आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बताइए यही जवाब आपका आया 21, बोलिए क्या आप लोगों का जवाब 21 आया है। चलिए मिटा देते हैं, अब लगाना है आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोगों को लगाना है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा टेस्ट क्या है हमारा, देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद कितना है, द्विघात बहुपद देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के कितना दिया गया माइनस के 8 के शून्यांक, के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों गुणांकों के बीच संबंध
संबंधों की जांच कीजिए, संबंधों की जांच कीजिए। चलिए लगाइए जरा से। हाँ 21 आया एकदम राइट, ठीक है। इसका जवाब बताइए जल्दी से, इसके शून्यांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके शून्यांक निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसके शून्यांक आप लोगों को देना है। चलिए जल्दी से दीजिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए, गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच कीजिए। बताइए जल्दी से, गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच कीजिए, बताइए जल्दी से, बताइए इसके सब गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए, बताइए जल्द से, आ जाइए जल्द से बताइए। आज आप लोगों को टेस्ट चल रहा है, बाद में अपना स्कोर कमेंट में देना है, कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही लगाए हैं और कितने गलत गए हैं। चलिए देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। देखो क्या किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, सबसे पहले इसका फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है, सबसे पहले इसका फैक्टर कर देना है, जल्द से फैक्टर कीजिए। और जल्द से फैक्टर कीजिए इसका, बोलिए। चलिए देखिए फैक्टर करते हैं इसके क्या है। देखिए देखो ध्यान से, दो का एन की क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो गुणा करने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए, माइनस के जोड़ने पर कितना हो जाए, माइनस के जोड़ने या घटाने पर माइनस 2 बचे। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 हो जाएगा, गुणा करने पर 8। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 8 माइनस के 8 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे, माइनस के 2x बचेगा। गुड इवनिंग विकास राज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखो एक्स कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स सॉरी माइनस 4, कितना बचेगा माइनस 4। यहाँ पर देखिए ध्यान से, दो कॉमन ले लेंगे प्लस के, तो दो कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा। अब यदि आगे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, यदि आगे सोल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 2, क्या निकल आएगा, x बराबर माइनस के 2। इसको सोल्व करेंगे यदि, कितना आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4। ये हमारे इसके हो गए फैक्टर शून्यांक। बाद में आप लोगों को सबको अपना स्कोर कमेंट में देना है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही गए हैं। बिल्कुल बहुपद चैप्टर आपका टेस्ट हो रहा है आज, जितना अभी तक हमने आप लोगों को 7 दिन में सिखाया है वो आज आप लोगों का टेस्ट होगा, ओनली बहुपद चैप्टर का टेस्ट हो रहा है आज। किसका हो रहा है, ओनली बहुपद चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। तो चलिए आंसर सभी लोग दिया करो। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा मान निकल गया, इनकी शून्यांकों का गुणनफल निकालना, शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो चलिए देखिए, ये मान निकल के आ गया अल्फा और ये मान निकल के आ गया बीटा, कितना आ गया बीटा। आप लोगों को बिल्कुल एक रफ ले लेना है, रफ में आप लोग सवाल लगा के, और जो किताब आपकी है फेयर है वो आप लोग ना देखे खोल कर, कृपया करके जो आपका आता है वही आप लोग
रखिए और जवाब देते रहिए और क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। तो देखिए ध्यान से क्या हो गया यहाँ पर, अल्फा का मान पता चल गया, बीटा का मान पता चल गया। अब निकालते हैं शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों का गुणनफल, यानी कि जांच करना है। तो देखिए ध्यान से जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, जांच क्या समीकरण है, x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, यही समीकरण है माइनस के 8, यानी कि तुलना कर देंगे, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस 2, c का मान कितना है माइनस 8। शून्यांकों का योगफल निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए ध्यान से शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये होता है शून्यांकों का योगफल। आप लोग एक बार क्वेश्चन को मैच जरूर कर ले यहां से, कितना आप लोगों का जवाब निकल कर आया है। चलिए अल्फा का मान कितना है माइनस 2 प्लस बीटा का मान कितना है 4 बराबर बी का मान कितना है माइनस, यहां पर भी है और माइनस यहां पर है, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा बटे ए का मान 1, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस, कितना प्लस के 2 आ जाएगा, 2 बराबर 2 निकल के आ जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा का मान कितना है माइनस 2, बीटा का मान 4 बराबर सी का मान माइनस 8, ए का मान 1, सोल्व करेंगे माइनस 8 बराबर माइनस 8, यानी कि दोनों संबंध सत्य आ गए, क्या आ गए दोनों संबंध सत्य हैं, दोनों संबंध सत्य आ गए निकलकर। बताइए यही जवाब आप लोगों को निकला है, यही जवाब निकाला है आप लोगों ने, यही जवाब निकाला है, यदि यही जवाब निकाला है तो यस कीजिए, बताइए जल्दी से, यही जवाब निकाला है तो यस कीजिए, यस कीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक द्विघात, एक द्विघात, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शून्यांक, जिसके शून्यांकों का योगफल, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः माइनस 3 और 2 है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को जल्द से, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्द से लगाइए, क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ गया है, जल्द से लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, ए
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिए गए। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, इसको द्विघात रूप में बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ये द्विघात समीकरण कल हमने बना बहुत अच्छे से सिखाया था। इसमें अगर आप लोगों को एक बार फार्मूला पता है द्विघात समीकरण का, तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, लगाइए इस क्वेश्चन को जल्द से। क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। जल्द से आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग और जल्द से आंसर देंगे। द्विघात समीकरण बनाना बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को सिखाया है, तो इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण बनाना है जल्द से। क्या करना है? जल से द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाना है, जल से द्विघात समीकरण बनाइए। चलिए देखते हैं, टाइम बहुत होता है। देखो ध्यान से, यहां पर दिया शून्यांकों का क्या दिया गया, योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, -3। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। एक सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र क्या था, सूत्र आप लोगों को याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। द्विघात समीकरण का फार्मूला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र इसी में रखना है। चलिए देखिए रखते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं मान, चलिए देखिए यहाँ पर रखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 2। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस के 2, ये बन गया द्विघात समीकरण। ये हमारा निकल के आ गया इसका आंसर, क्या आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, आप लोगों का आंसर यही निकला, यदि यही निकला है तो यस कीजिए, यदि यही निकला है तो यस कीजिए कमेंट में, जल्द से बताइए अगर यही निकला है तो एक बार यस का जवाब दीजिए। अगर यही निकला है तो एक बार यस कीजिए। यस कीजिए। चलिए समझ में आ गया, ठीक है, यही निकला, ओके। तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नो क्यों भाई, नो क्यों जवाब दे रहे, क्या आपको फार्मूला नहीं पता था क्या, बहुपद वाली क्लास यदि आप लोगों ने ना देखी हो तो बहुपद वाली क्लास आप लोग जरूर देख लें, बहुत अच्छे से तरीके से उसमें हमने सिखाया है द्विघात समीकरण को बनाना फार्मूले की विधि से।
चलिए क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार दिया गया, यदि बहुपद, यदि बहुपद 2x² प्लस के 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक एक बटे दो हो तो एक बटे दो हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, क्या है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, जल्द से बताइए, इसमें लैम्डा का मान निकालना है आप लोगों को। चलिए जल्द से बताइए, यहां पर लैम्डा का मान निकालना है आप लोगों को। क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा से क्या दिया गया, देखिए, यदि द्विघात बहुपद, सॉरी क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल से लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, आ जाइए जल से लगाइए लैम्डा का मान, लैम्डा का मान जल से लैम्डा का मान निकालिए लैम्डा का मान, आ जाइए लैम्डा का मान निकालिए। चलिए लैम्डा का मान निकाल के जल्दी कमेंट कीजिए, देखें सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका, लैम्डा का मान कितना निकालेगा, देखें सबसे पहले कौन आंसर देगा, किसका आंसर आएगा, जल्द से बताइए, हम देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, देखें सबसे पहले किसका जवाब आएगा लैम्डा का मान। चलिए देखें सबसे पहले किसका जवाब आएगा, ये कौन है, रावेंद्र राजपूत, कौन हो भाई, दो आंसर निकाला आपने, सबसे पहले आंसर दिया है, गुड। आपका रियल नाम क्या है जल्दी से बताइए, क्या यही नाम है, रावेंद्र राजपूत, गुड आंसर, सबसे पहले आ गया इसका जवाब, क्या आप लोगों का यही नाम है, बताइए जिसने आंसर दिया आपका क्या नाम है, गुड नित्या, गुड, सबसे पहले आपका जवाब आया और एकदम राइट, यही जवाब आएगा, गुड, आपका जवाब एकदम सही है नित्या जी, आपका जवाब एकदम राइट है, लैम्डा का मान -2 ही आएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन का जवाब आएगा -2, चलिए देखिए ध्यान से, चलिए सोल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से क्या दिया गया, यानी कि x का मान दे दिया गया हमें, शून्यांक कितना दिया गया 1/2, यानी कि x का मान दिया गया, क्या दिया गया, x का मान दिया गया, देखो क्या दिया गया, समीकरण बहुपद x 2x² प्लस का 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं, चलिए
यक्ष जहां पर मिल जाएगा हमें कितना रखना है, एक बटे दो यानी कि हाफ रखना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर रखते हैं समीकरण में, तो कितना हो जाए दो इंटू यक्ष यहाँ पर एक बटे दो का होल स्क्वायर प्लस तीन यक्ष यहाँ पर एक बटे दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए सोल्व करते हैं, दो इंटू एक इसका वर्ग कर देंगे, एक का वर्ग कितना होता है एक, दो का वर्ग चार हो जाता है प्लस गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा तीन बटे दो प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई आपको? अब क्या करते हैं दो से काटे दो कितना कट जाएगा चार, दो दूनी चार हो जाए कितना बचेगा यहाँ पर एक बटे दो प्लस तीन बटे दो प्लस लेमडा, लेमडा कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू जीरो। लेमडा को उधर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं लेमडा को उधर भेज देते हैं, ध्यान से कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा एक बटे दो प्लस तीन बटे दो बराबर माइनस का लेमडा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा, जब भी भिन्न का हर समान हो भिन्न को हम ऐसे ही जोड़ घटा सकते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दो वन प्लस थ्री माइनस लेमडा, तो कितना हो जाएगा चार बटे दो माइनस का लेमडा, दो दूनी चार तो माइनस लेमडा बराबर दो, तो माइनस कभी इसके नहीं लगेगा उस पर लगे जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए लेमडा का मान आ जाएगा कितना, लेमडा बराबर माइनस दो, लेमडा का मान कितना निकलेगा माइनस दो निकल कर आ जाएगा, लेमडा का मान कितना आ जाएगा माइनस दो निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पर, जिससे ये क्वेश्चन नहीं लगा नोट कर सकते हैं, लेमडा का मान निकल के आ जाएगा माइनस दो, कितना आ जाएगा माइनस दो लेमडा का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच पर चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच, यदि एक्स माइनस दो बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का पांच ए का एक गुणनखंड है तो ए का मान होगा। चलिए बताइए ए का मान क्या होगा, चलिए लगाइए जल्द से क्वेश्चन। बताइए जल्द से ए का मान, ए का मान क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन, यदि एक्स माइनस दो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पांच ए का एक गुणनखंड है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान बताइए क्या होगा, चलिए बताइए ए का मान क्या होगा, लगाइए ए का मान क्या होगा बताइए जब,
जल्द से बताइए ए का मान क्या होगा। बताइए जल्द से। ए का मान क्या आएगा निकल कर? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्या दिया गया x माइनस दो इक्वल टू जीरो। बहुपद क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, बहुपद क्या दिया गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 a इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x यानी कि दो को उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस के दो हो जाएंगे। यानी x का मान दिया गया मुझे, क्या निकला है x का मान निकलेगा, x जहां मिल जाएंगे कितना रखेंगे, दो रखेंगे। कितना रखेंगे, दो रखेंगे। इसी समीकरण में दो रख दीजिए, दो का स्क्वायर माइनस तीन इंटू दो प्लस के पांच ए इक्वल टू जीरो। सोल्व करते हैं, दो दूनी चार माइनस छ प्लस पांच ए बराबर जीरो। सोल्व करते हैं कितना आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का बचेगा कितना, माइनस दो प्लस पांच ए बराबर जीरो। दो को उधर भेजेंगे तो पांच ए बराबर प्लस के हो जाएंगे दो। कितने हो जाएंगे, प्लस के दो हो जाएंगे। विकास राज माइनस तीन जब आप बता रहे, गलत, माइनस तीन नहीं आएगा, माइनस तीन नहीं आएगा। देखिए कितना आएगा, तो ए का मान निकालिए कितना आएगा, दो बटे पांच निकल कर राज आएगा। आंसर कितना आएगा, दो बटे पांच निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, दो बटे पांच निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया छठवां क्वेश्चन। यहां पर लिखते हैं छठवां क्वेश्चन। चलिए छठवां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो चलिए बहुपद नहीं है, लिखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया गया x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4। बी ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया x क्यूब माइनस x रूट 3 प्लस रूट 5। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बटे 3x प्लस रूट 7। डी ऑप्शन दिया गया 5। बताइए कौन सा जवाब सही होगा, ए बी सी, क्या होगा ए बी सी। बताइए जल्द से क्या होगा, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा नहीं है, बताइए जल्द से, बताइए कौन सा बहुपद नहीं है।
पूरे चैप्टर का आज आप लोगों को निचोड़ मिल रहा है इस टेस्ट में। आदेश कुमार दे रहे हैं ए आंसर, बहुपद नहीं पूछा गया, ध्यान देखिए आप लोग, हाँ नहीं पूछा गया, इसमें नहीं पूछा गया। ए ए सारे बच्चे ए जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे ए दे रहे हैं जवाब, इसका बताइए कल से। डी ए और डी आंसर दे रहे हैं, ए और डी दे रहे हैं। सही बताइए, एकदम राइट। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है, किसी का भी जवाब सही नहीं आया है। बहुपद नहीं पूछा गया इसमें। बहुपद के लिए आप लोगों को एक नोट बताया हमने, यदि कोई बहुपद p या पान q के रूप में लिखा है तो बहुपद नहीं होगा। ये नोट आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, यदि कोई बहुपद p या पान q के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। बताइए, ये बताया था ना, भूल जाते हो। हाँ एकदम राइट जवाब आदेश कुमार, एकदम राइट जवाब, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम राइट। क्योंकि देखो हमारी चर संख्या पी या पान क्यू के रूप में लिखी है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। बाद बाकी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी इज राइट होगा। क्या होगा, सी इज राइट होगा, जवाब एकदम सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर सातवां, आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर देना है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्नलिखित निम्नलिखित में द्विपद है, निम्नलिखित में से द्विपद है, क्या है द्विपद, ऑप्शन ए दे देते हैं 3xq, ऑप्शन बी दे देते हैं 6u4+2u, क्या है 2u, ऑप्शन सी t² + 5t + 3, ऑप्शन डी 0, ऑप्शन डी 0। बताइए जल्द से जवाब, बताइए जल्द से जवाब। कैसे नहीं है विकास राज, कैसे नहीं है, मतलब क्या पूछ रहे विकास जी, कैसे नहीं है सी। अच्छा सी देखो, समझो, वो तो मिटा दिया, समझ लो एक बार दोबारा से। एक नियम आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, यदि कोई बहुपद p अपान q के रूप में लिखा है, किसके p अपान अगर q के रूप में कोई लिखा है, चर संख्या हमारी p अपान q के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि कोई संख्या चर है, क्या होता है अगर चर किसी के आगे, जैसे 2/2 अगर x आ जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, क्या होगा बहुपद नहीं होगा। चर अक्सर हमारा बटे में नहीं होना चाहिए, p अपान q के रूप में अगर चर है तो बहुपद नहीं होगा। अगर यहां पर ये लिखा हो 2/3 तो ये बहुपद हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये अचर लिखा है, चर बटे में नहीं होना चाहिए। अगर संख्या हमारी
बटे में है तो बहुपद हो जाएगा, अगर चर कोई टर्म हमारा बटे में है तो बहुपद नहीं होगा। ये नियम आप लोगों को याद होना चाहिए। समझ में आया बताइए, सी आंसर समझ में आ गया। सी आदेश जी दे रहे हैं ए जवाब। इसमें पूछा निम्नलिखित में द्विपद है, यानी कि द्विपद यानी कि द्विघात पूछा गया। बताइए जल्दी से द्विपद है, बोलिए जल्द से द्विपद। बहुपद चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 7वां क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। सारे क्वेश्चन आप लोग जब क्लास खत्म हो तब आप लोगों को अपना स्कोर बताना है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। बताइए 7वें का जवाब। द्विपद पूछा गया, द्विपद द्विपद किसमें है वो पूछा गया। ऑप्शन कौन कौन दे रहा है अभी जवाब, ए बी सी, ए बी सी दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, द्विपद पूछा गया। द्विपद जानते हो, दो पद जैसे ये लिख दें, एक पद ये और एक पद ये, यानी कि दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, ये पद ये हो गया। तो देखो ध्यान से, द्विपद पूछे गए, देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, टोटल मिला के दो पद हो गए। कितने हो गए? दो पद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट। कितना हो जाएगा? बी इज राइट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? बी इज राइट निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्विपद पूछा गया, द्विपद हमारे इसमें है, यहां पर एक पद, यहां पर तीन पद, यहां पर एक पद, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिएगा बहुपद। बहुपद कितना? 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7x क्यूब माइनस के 2x की पावर 4 प्लस 9 की घात है, की घात है। ऑप्शन दे देते हैं, कितना है? 4, बी ऑप्शन माइनस 2, सी ऑप्शन माइनस 4, डी ऑप्शन 2। चलिए बताइए, बताइए जल्द से। बताइए जल्द से, बताइए जल्द से क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। आदेश इसका बी जवाब दे रहे हैं, बी बोलिए जवाब क्या होगा, बोलिए। बोलिए क्या आएगा? माइनस 2। चलिए देखिए, बताते हैं। जब भी किसी बहुपद या समीकरण में हाईजेस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं? हाईजेस्ट पावर यानी कि घात, डिग्री, सबसे अधिक हाईजेस्ट पावर देखते हैं,
तो देखिए सबसे अधिक घात किसमें है, घात देखो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर एक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। देखो हाईएस्ट पावर किसमें है, ये है, कितनी है, चार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार, ऑप्शन ए इज राइट। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्या करते हैं क्लास को यहीं तक रखते हैं। बताइए ये टेस्ट हमारा 8 क्वेश्चन थे, टेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। अब अपना स्कोर बताएं एक बार जल्दी, फिर क्लास को खत्म करते हैं। सभी एक बार अपना स्कोर बताएं, 8 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और कितने गलत गए हैं, बताइए 8 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, बताइए जल्द से, फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए बोलिए 8 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत गए हैं, बोलिए 8 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने गलत गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। यहां पर सात, गुड। अच्छा एक क्वेश्चन गलत चल गया, नित्या का हाईएस्ट स्कोर यानी कि 7/8, यानी कि 7 क्वेश्चनों में से, सॉरी 8 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन का जवाब नित्या ने एकदम सही दिया है। आदेश, आदेश का दिया गया है 5, यानी कि 8 में से 5 क्वेश्चन सही किए हैं। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।